आज का डाइट प्लान आपको कल के वीडियो में मिलेगा जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, हम लोगों ने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, एक साइलेंस भी बना के रखेंगे, तो ऐसा ही करिए कि जरूरत की बात करिए सिर्फ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सब सवालों के जवाब मैं कोशिश करती ही हूँ कि आपको मिल जाएंगे। कल का डाइट प्लान में एक चीज कॉमन है कि हम जमीन में पालथी लगाकर बैठेंगे, अपनी कोई एक जगह पूरे घर में बना लें जहां पर सिटिंग जमीन में अरेंजमेंट हो। आज ही मैंने अपना गद्दी एक निकाल के बढ़िया सा उसको डेकोरेट करके उसके पीछे भी एक लगा के अपना बैठने का स्थान वहां बना लिया है, और जितना भी हम कुछ ग्रहण करेंगे तो हम वहां पर बैठकर ग्रहण करेंगे जब हम घर पे रहेंगे। और दूसरा, मौन साइलेंस का एक प्रॉमिस अपने आप से, तो अभी आज आते वक्त कार में गाने नहीं चलाए और जय माता दी कुछ कैसा करके चैंट कर रही थी। कुछ कुछ इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आइडिया नहीं मिलता, आप अपने तरीके से अपनी चीजों को करें बट थोड़ा सा इससे आइडिया ले सकते हैं। तीसरा था प्रार्थना के साथ ही खाएंगे पिएंगे कुछ भी, बहुत फोकस नहीं है कि पानी बहुत पीना है पर मॉडरेट पीना है, पानी पीना है जरूर से, सब कुछ लिक्विड है पर एक बार बैठ करके प्रॉपर ग्लास पानी भी बीच बीच में पीना है, आधा ग्लास एक ग्लास। जो भी कोई नए लोग जुड़े हैं या और लोग जुड़ रहे हैं या आप किसी को भेज रहे हैं, आज के बाद कृपया उनको ना कोशिश करें नवरात्रि फास्टिंग करने की, आज तक की छूट है, तो उनको हमारा जो हमने वीडियो फॉरवर्ड किया है वो वीडियो कल का देखने को अवश्य कहें। और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि उस पे डाइट प्लान भेजा जाए लिख करके, क्योंकि वो इंसान को हल्का बना देता है। आप खुद से समझिए, सुनिए और लिखिए, तब आपको जो समझ में आएगा वो अद्भुत होगा। इसलिए मैं ये काम इजिली कर सकती थी, मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन ठीक है, चांद्रिक जी ने उसको लिख के डाला है तो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो गया है, बट उसको एज इट इज फॉरवर्ड ना करें, सबको वीडियो फॉरवर्ड करें और ग्रुप पे जोड़ें जिससे ग्रुप की भी गरिमा बनी रहे और सभी लोग उसको पूरी तरीके से आत्मसात करें। जितना चैंटिंग कर सकते हैं करें, एक माला दो माला वो आपके लिए अद्भुत रिजल्ट देती है। तो पूजा का जो पर्पस मुझे समझ में आता है वो आत्म मंथन करना, चैंटिंग करना, डायरी पास में रखना और कुछ नया लिखना और कुछ नया होने देना, तो संकल्प सिद्धि के साथ साथ दुर्गा माँ की उपासना। कल के डाइट प्लान के लिए आज का आपके पास है। सुबह हम प्रारंभ करेंगे तुलसी जल से, जैसा कि आज आपने लिया होगा, क्योंकि हम विंटर्स की तरफ जा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा गर्म गुनगुना पीना अच्छा लगेगा आपको। बहुत गर्म कभी भी पीना ही नहीं चाहिए, ना गर्म बहुत खाना खाना चाहिए, वो बॉडी को नुकसानदायक है। अगर बहुत ज्यादा किसी को एसिडिटी है तो वो एकदम ठंडा कर ले, इवन अगर वो फ्रिज में रख लेगा थोड़ा सा ठंडे की तरफ चला जाएगा तो वो उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अगेन वॉइस मेरी स्लो है, ऐसा सभी को लग रहा है ऐसा? नहीं, आई आ रही नहीं है मैम, आपकी वॉइस परफेक्ट वॉइस, ठीक है ना? थोड़ा परफेक्ट। तेज बोलने की कोशिश करती हूँ, इसमें ऑडियो फुल है, कुछ कहाँ से प्रॉब्लम है मैं नहीं समझ पा रही हूँ, अब वहीं रख नहीं दीजिए। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से आवाज आ रही है। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो जो लोग भी कह रहे हैं वो अपने यहाँ का नेटवर्क देख लें प्लीज। 8 बजे किशमिश और अंजीर सुबह लिखी है मैंने, और चीजें मैंने बाद में लिखी हैं, इसलिए 20 किशमिश कर दी है और 2 अंजीर कर दिए हैं। धो करके भिगोएंगे, पहले पानी पी लेंगे और फिर सारी चीजों को धीरे धीरे चबा चबा के खा लेंगे। अगर दांत में प्रॉब्लम है या ऐसा लगता है कि नहीं खा पा रहे हैं तो दूसरा सलूशन है कि हम उसको पीस देंगे पूरा दोनों चीजों को, और हम चम्मच से खाएंगे, और अगर आप हाथ से खाएंगे लापसी काइंड ऑफ तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो बाय बाय टू चम्मच को बाय बाय कर दीजिए इतने दिन, इसलिए कि आप मोबाइल नहीं देखेंगे, प्रार्थना के साथ खाएंगे और हाथों का इस्तेमाल कीजिए, ये भी एक नवरात्रि में एक नई शुरुआत कीजिए। और जितना हो सके बाहर की चीजें और कॉस्मेटिक से थोड़ा सा परहेज कीजिए, क्योंकि आप इतना शुद्ध सात्विक खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आप नहीं यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, और अगर यूज करेंगे तो उस दौरान कुछ खाएं पिए ना, मेरी ये गुजारिश है। हो सकता मुझे भी किसी बड़े फंक्शन में जाना पड़ जाए और मुझे भी थोड़ी लीपा पोती करनी पड़ जाए, पर एज इट इज ऐसे आने के लिए मेरा नहीं इच्छा है, तो आज सुबह से ऐसी ही हूँ जैसी दिख रही हूँ। 9 बजे एक कप चाय लिखी है जो कि वैसी ही बनाइए जैसी मैंने कही है, दूध ना हो उसमें, काढ़े के साथ बनाई जाए,
और उसको चाय की पत्ती छन्नी पे रखिए और उससे छान दीजिए। ये कंपलसरी नहीं है, जिनको चाय पीने की आदत है वो अगर ऐसा करेंगे तो उनको ठीक फील होगा, और जिस समय पे वो चाय पीते थे उस समय पर ये ले तो और अच्छा फील होगा। ठीक है, 9:30 बजे फल लिखे हैं मैंने, जिसमें सुबह के समय आप मीठे फलों का सेवन कर दें, मीठे फल कर दें, और शाम को खट्टे फल कर दें। मीठे फलों में या सूदिंग फलों में सेब का मौसम है, सेब आ रहा है, नागा है, पपीता है, अनार है, ये सारे सूदिंग और मीठे फलों की श्रेणी में आते हैं। ठीक, ये 250 ग्राम होने चाहिए। केला भी अच्छा है, केला भी सुबह खा सकते हैं फलों के साथ। अगर केला किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है तो आप उसके बाद इलायची खाइए, आपको गुड फील होगा। अगर ऐसा थोड़ा सा भी लगता है कि हमें केला खाने के बाद अजीब हो रहा है, वैसे तो चबा चबा के कोई भी चीज खाएंगे तो आपको हजम होगी। 1 बजे एक खास चीज लिखी है, नारियल का दूध बनाना है, तो आप पहले ही नारियल की गिरी ले लो, नारियल का गोला तोड़ के रख लो, और नारियल बीच बीच में भी आप खा सकते हैं, और या फलों के साथ नारियल खा सकते हैं। उसमें 4 खजूर डालने हैं और आधा कटोरी रामदाना डालना है। ठीक, तो ये वाले दूध का यूज नहीं करेंगे, कोकोनट मिल्क बनाएंगे। कोकोनट मिल्क सिंपल है, आप उसमें पानी डाल के छोटा छोटा कोकोनट ग्राइंड कर दीजिए तेजी से, और उसको छान दीजिए मसलिन क्लॉथ से या नेट से, और फिर एक बार पानी डाल के ग्राइंड कर दीजिए। वो सिर्फ रफ रस सा खुज्जा निकल जाएगा और सारा का सारा आपका दूध उसमें आ जाएगा। उसमें आप रामदाना डाल दीजिए आधी कटोरी, 4 खजूर काट काट के डाल दीजिए, और फिर खा लीजिए। रामदाना होता है लाइक हाँ रामदाना रामदाना, मुझे चीनी, चीनी से बनता है। अभी तुरंत इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, बहुत ही अच्छा इंग्लिश में वर्ड है, मैं अभी बताती हूँ, अमरंथ याद आ बोलते हैं जाएगा। शायद इसको, जी अमरंथ अमरिंद, बोलते हैं, अमरंथ, अमरंथ बोलते हैं क्या उसको, अमरंथ? एमरिंट, आप सर्च कर लो, सभी को पता होगा, जिसमें हम लोग लड्डू खाते हैं, सकट में बनते हैं, और उसको भून करके रामदाने राजगीरा, को हम गुड़ उसको के साथ दूसरी भाषा बनाते में हैं। राजगीरा, राजगीरा तो बिल्कुल व्हाइट राजगीरा, व्हाइट कलर में है राजगीरा है ना राजगीरा उस, के नाम वही से आपको ढूंढ के राजगीरा। मिल, ठीक है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ठीक, जो भी डायबिटिक पेशेंट है वो 2 खजूर आसानी से खा सकते हैं, और अगर डायबिटिक बहुत टाइम से है और मेडिसिन पे है तो आप इसके साथ दोपहर में सब्जियां खाइए, और सब्जियां ऐड कर लीजिए, हरी सब्जी, लाइक आप कद्दू खाइए, आप तरोई खाइए, आप टिंडा खाइए, आप लौकी खाइए, कोई भी एक सब्जी जो स्टीम्ड करके आप बना सके, ढक के सीज करके बना सके, और खड़े मसाले उसमें डालिए। अगर आपको मसाला डालना ही है, एक लौंग डाल दीजिए, थोड़े सा आपने दालचीनी क्रश करके डाल दी, बजाय कि आप पिसा हुआ मसाला यूज करें, तो प्राकृतिक तौर पे उसमें जो भी कुछ आप डाल सकते हैं उसका तड़का लगा करके आप उसको बनाइए, आधे चम्मच 1 चम्मच घी के साथ। बाकी सब लोग हमारे साथ चले, सहर्ष चले, आपको बड़ा अच्छा लगेगा धीरे धीरे। तो बाकी लोग ना डरे, बढ़िया खजूर खाएं, जम के ताकत आएगी। 4 बजे खट्टे फल खाएंगे हम, तो खट्टे फलों में हम मौसमी ले आएंगे 2 या 3, या संतरे ले आएंगे, या और भी डिफरेंट काइंड ऑफ फल अगर हमें मन कर रहा है तो वो हम लाएंगे, रेदर देन जो हमने ऊपर खाया है, जिसमें कोकोनट वाटर भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमारा मन है कि आप खट्टे फल खाएं। इन केस अगर कोई नहीं ला पाता है तो वो नींबू पानी शहद पिएगा, एक पूरा नींबू डाल दीजिए और 2 चम्मच शहद डाल दीजिए उसमें। अदरवाइज आप खट्टे फल का जूस 1 ग्लास पी लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, और जो हम चाह रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच चीजें खाएं पिए, जिससे हमारी बॉडी में जो वीकनेस है वो चली जाए, जो हम सप्लीमेंट पे बेस्ड चीजें करते हैं। रात में 8 बजे, अब ये सबके लिए है, डायबिटिक पेशेंट तो दोनों बार खाएगा क्योंकि उसको दवा खानी है। हम सब लोग जो आगे चलने वाले हैं फलों पे और जूस पे, हम लोग लौकी की सब्जी खाएंगे, जो बिल्कुल सिंपल होती है, आप जीरे से तड़का लगा करके सीज कर दीजिए। उबला आलू साथ में खा सकते हैं, 2 उबले आलू। चटनी बनाइए हरी धनिए की, बढ़िया धनिया बॉडी में जानी चाहिए, और सलाद काट सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन पे हम आज कल का खाना खाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों के प्रश्न उत्तर, फिर थोड़ा सा मेडिटेशन, तो आप लोग अपने को म्यूट ऑफ करें, पूछें जो भी पूछना है, और फिर से म्यूट कर लें। रामदाना को सेकना है, रोस्ट करना है? जी रामदाना को रोस्ट करना है? हाँ, रामदाना रोस्टेड आता है, अगर आप वैसे ले रहे हैं तो रोस्टेड मिलेगा, अगर आप घर में रॉ लाए हैं तो फिर उसको रोस्ट करना पड़ेगा।
ओके नारियल का दूध जो आपने बनाया है उसको गर्म भी कर सकते हैं, उसको एज इट इज भी रख सकते हैं। तो एज इट इज रखेंगे तो ज्यादा मजा है, जैसा मैंने पी के देखा है, तो उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है, रामदाना अपने आप में फूल जाता है, ताजे दूध में भी फूल जाता है। रामदाना क्रश नहीं करने का ना मैम, नारियल के साथ जी क्रश नहीं करने का, नारियल क्रश नहीं कर, नारियल के साथ रामदाना, रामदाना क्रश नहीं करने रामदाने का ना, को वैसा क्रश ही करने करने का। की जरूरत ही नहीं है, वो रोस्ट है, आपने जैसे ही ओके डाला हाँ, वो रोस्ट है हो वैसा गया। ही ठीक रहता है, है। जिनको ओके ऐसा लग रहा हो कि खजूर नहीं सूट करता या बहुत मीठा हो जाएगा, थोड़ी सी जैगरी डाल लीजिए, पर खजूर में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत अच्छी है, मिनरल्स रिच है खजूर, तो वहां पर खजूर का इस्तेमाल करें। बाकी हमने आपको सब सौंफ खाने को कहा है, तो सौंफ और गुड़ के थोड़े से चीजें डाल करके खा सकते हैं। मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना आज के जो आपने जी, बोला एक है घंटे के अंदर आपको अभी? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पर जो लोग भी जिन्होंने कल की रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है वो पहले कल की रिकॉर्डिंग जरूर से सुनेंगे, तब स्टार्ट करेंगे। अभी एक घंटे अच्छा में मैम, इसको भी डाल देना, थोड़ा रामदाना कितना लेना चाहिए? लाउड बोलिए। रामदाना कितना लेना चाहिए? आधी कटोरी, आधी कटोरी मैंने लिखा है। हाँ चले, मेडिटेशन की तरफ चलते हैं, सीधा बैठ जाएं, कमर सीधी, आपके पैर या पालथी लगाए हुए हो या जमीन से छू रहे हो, दो काम, आइदर आप पालथी लगा लें अगर कुर्सी पर बैठे हैं, बेड पर बैठे हैं तो भी पालथी लगा सकते हैं, स्टूल पर बैठे हैं या कुर्सी पर बैठे हैं तो नीचे आपके पैर जमीन पर छूते होने चाहिए, चप्पलों को किनारे कर दीजिए, और अगर नहीं छू रहे हैं तो पालथी लगा लीजिए, आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें, अपने ध्यान को अपनी नाक के आसपास लगा लें, कलेक्ट योर ऑल द कंसंट्रेशन अराउंड योर नॉस्ट्रिल अपसाइड द अपर लिप, सारा का सारा ध्यान अपनी नाक के आसपास, नाक के चारों तरफ, और सिर्फ ब्रीदिंग करेंगे, नॉर्मल श्वास चल रही है जिसको आप देख रहे हैं, जस्ट ट्राई टू सी योर ब्रीदिंग, फील योर ब्रीदिंग, अपनी आती जाती श्वास को देखते जाएं। कैसे देखेंगे? अपना सारा ध्यान अपनी नाक के चारों तरफ लगाएं, ऊपरी होंठ के ऊपर, और उसे जस्ट निहारें, ऐसे जैसे आप अपनी श्वास के पास हों, और यह श्वास आपको अद्भुत शांति दे रही है। एक धन्यवाद प्रार्थना के साथ कि यह श्वास मेरे अंदर जाके मुझे नई ऊर्जा से भर रही है। सभी लोग पूजा प्रार्थना करके यहाँ बैठे हैं या नहीं भी बैठे हैं, अब करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं अपनी दुर्गा माँ की स्तुति, जिनको हमें धारण करना है। अभी तक हम ध्यान लगाते हैं, धारणा होती है कि आप अपने अंदर मन में दुर्गा जी को धारण करें। जहां से कॉन्सेप्ट आया पूजा का, जब हम किसी चीज को लगातार निहारते हैं, देखते हैं, तो हम उस पे ध्यान लगाते हैं, और फिर कुछ देर आंखें बंद करते हैं तो वह हमारे अंतर मन में आ जाती है, मतलब हम उसे धारण कर लेते हैं, ध्यान धारणा समाधि, और जब हम धारण कर लेते हैं और वो एकाकार हो जाता है तब हम समाधि की स्थिति तक पहुंचते हैं। तो अभी हम सिर्फ ध्यान और धारणा के बीच में ही झूल रहे हैं, सीधा बैठे रहेंगे, मेरी आवाज पे पूरा फोकस लगा दीजिए, जितना हो पाए मेरी आवाज को सुनते हुए समझते हुए उतना आप करेंगे। सबसे पहले अपने किसी प्राचीनतम मंदिर के दर्शन कीजिए, ऐसा प्राचीनतम मंदिर जहां आप अक्सर जाते हैं और जहां पर दुर्गा माँ की भव्य मूर्ति आपने देखी है और बार बार देखी है, ऐसे मंदिर में आप चप्पल उतार करके
बिना प्रसाद लिए, बिना फूल माला लिए अंदर जा रहे हैं। जितनी भीड़ है वो सब अपना काम कर रही है, पर आप सिर्फ एक बहुत अंदर से इच्छा लिए, समर्पण का भाव लिए, शांति मन में लिए, कुछ करने का उत्साह लिए अंदर जाते हैं और अपने सारे गुरूर को तोड़ करके अंदर जाते हैं। जैसे आप कुछ नहीं हैं, तो अगर आप कुछ नहीं हैं तो आप कुछ खरीद भी नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं हैं। नीचे अंदर जाइए, अब आप दुर्गा माँ की बहुत सारी भव्य, बहुत बड़ी भव्य मूर्ति से करीब 2-3 फीट दूर खड़े हैं और उस भव्य मूर्ति को एक टक देख रहे हैं। उनका सुंदर मुस्कुराता हुआ शांत चेहरा, उस पर मुकुट, आठों भुजाएं, शेर, उस पे बैठी हुई उनकी अभय मुद्रा और आशीर्वाद मुद्रा, पूरा आपको एकदम साफ नजर आ रहा है। लगातार देखते देखते आपको कुछ देर में वो मूर्ति अपने पास दिखाई देने लगी, अपने लेवल में, आपके एकदम बराबर 5 फीट की दूरी पे, और 5 फीट की मूर्ति आपके सामने है। मतलब हृदय से हृदय का जो कनेक्शन है अब आप देख पा रहे हैं, आंखों से आंखों का जो कनेक्शन है वो आप देख पा रहे हैं। सुंदर दिव्य अनुभूति हो रही है, जैसे हम उस सारी की सारी ऊर्जा को ग्रहण कर पा रहे हैं, उस लाल रंग की ऊर्जा को, पीले रंग की ऊर्जा को, शंखनाद को, तलवार को, अभय मुद्रा को, मुस्कुराते चेहरे को, निडरता को, सम्मान को, प्यार को, संहार को, सब सारी ऊर्जाओं को एक साथ ग्रहण कर रहे हैं। धीरे धीरे आप और पास आ रहे हैं, अभी 2 फीट की दूरी है, बहुत पास है, और ऐसा लग रहा है पूरा शरीर हमारा वाइब्रेट कर रहा है उनकी ऊर्जा से। पूरा शरीर, आत्मा, मन, सब कुछ ऊर्जित हो रहा है। और पास जा रहे हैं, अब दो काम है, या फिर आप अपने अस्तित्व को डिसॉल्व कर दीजिए और उनमें समा जाइए, या उनकी छवि को अपने अंदर धारण कर लीजिए। दोनों पॉसिबल हैं, करके देखिए क्या अच्छा लगता है आपको। आइदर उनकी छवि को पूरा का पूरा अपने हृदय में धारण कर लीजिए, आंखें बंद रखिए, और ऐसा लगेगा कि ये जो शरीर है ये इसमें दुर्गा माँ विराजमान है। हाथ पूरे अष्टभुजी हैं, इतनी स्टेमिना है हमारे अंदर कि हम आठों भुजाओं के साथ दशों दिशाओं में कार्य कर सकते हैं। हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट, शालीनता और सभी के लिए प्यार है, समर्पण है। हमारे अंदर एक निडरता है जो किसी भी परेशानी को फेस कर सकते हैं हंसते हंसते। हम पूरी तरह हर विपरीत और सम स्थिति के लिए सज्ज हैं। ऐसी सुंदर अनुभूति आ रही है जब हम अपने अंदर अपनी दुर्गा माँ को प्रतिष्ठित कर रहे हैं।
वहां तो मंदिर में ही छोड़ के आना है, हम ऊर्जा को लेने गए थे, तो हम उनकी हर तरह की इस ऊर्जा को आज पहले दिन नवरात्रि के अपने अंदर धारण कर लेते हैं और पूरी तरह से हमारा चेहरा शांत, प्यार भरा, मुस्कुराता हुआ हो जाता है। हमारी भुजाओं में अष्टभुजी ताकत आ जाती है, हम सारे कार्य कर सकते हैं। हमारे हृदय में एक बहुत ही कोमल, प्यार भरा हृदय जो सभी के लिए एक जैसा सोचता है, ऐसा निवास करने लगता है। हमारे पैरों में एक अद्भुत ताकत आ जाती है, जैसे वो शेर पे सवारी करने को तैयार हो, ऐसा निडरता आ जाती है। ये पूरी ऊर्जा से ओतप्रोत हम बहुत सारा धन्यवाद करते हैं इस ऊर्जा के लिए और अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि कम से कम 9 दिन हम इस ली गई ऊर्जा को डाइल्यूट नहीं होने देंगे, यानी मैला नहीं होने देंगे। तो हम एकदम सात्विक भोजन खाएंगे, मन को शांत रखेंगे, शरीर को निर्मल और स्वस्थ रखेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रकृति के पास रहेंगे और प्राकृतिक आनंद में रहेंगे। इतना करने के बाद जब आप आंखें खोलते हैं, यहाँ पर आंखें नहीं खोलेंगे, जब आप आंखें खोलते हैं तो दुर्गा जी अपनी मूर्ति स्थापित है वही मंदिर में एज इट इज। आपने उनकी ऊर्जा को ग्रहण किया है, पूरे अपने शरीर में समा लिया है और वहां से फिर आप बाहर आने लग जाते हैं। मंदिर के भीड़ अपना काम कर रही है, पर आपने जो सुंदर तरीके से अपना कार्य किया है वो अद्भुत है और वो आपके अंदर विद्यमान रहेगा। समय समय पर आंखें बंद करके पूरे दिन में कई बार अपनी इस दुर्गा माँ की छवि को अपने अंदर जो धारण की है आपने, उसका चिंतन मनन कर लिया करें, मुस्कुरा लिया करें। अपने आप से संकल्प कीजिए कि मैं इस पूरे नवरात्रि कम से कम झूठ नहीं बोलूंगी, कम बोलूंगी, मुस्कुराती रहूंगी, बेकार के आर्गुमेंट्स नहीं करेंगे और सभी की इज्जत करेंगे। अपनी डायरी में जो कुछ भी ऐसा लगता है कि हमें एक्स्ट्रा वार्तालाप करके ये चीजें सुलझानी है, आप ऐसा लिखिए कि यह चीजें पूरी तरह सुलझ गई हैं, यह काम मेरा पूरी तरह हो गया है, ऐसा मुझे विश्वास है ऐसा ही हो। तो आज अपना संकल्प निर्धारित कर लीजिए कि आपको क्या चीज जीवन में पहले चाहिए। हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हैं, हम संकल्प ना करें ऐसा संभव नहीं। इच्छाएं सभी के अंदर हैं, इच्छाएं या कुछ ऐसी चीजें जहां पर हमको सल्यूशंस चाहिए, तो हमें इस चीज का सल्यूशन मिल गया है और जो कुछ मिला है उसका धन्यवाद करते जाइए। ऐसा सोच लीजिए कि क्या चीज प्रायोरिटी है। मेरे हिसाब से हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हम पूर्ण रूप से मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने सभी लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सकें, ऐसी मनोकामना होनी चाहिए। बाकी जो भी है ऐसा हो रहा है ऐसा करके आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं कई ऐसी चीजों को जो आपकी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जो आप संकल्प ऊर्जा जागृत कर रहे हैं। आप देखेंगे उसको नहीं भी दोहराएंगे तो भी वो पूरी होने लग जाएंगी या आपको उसके लिए दिशा मिलने लग जाएगी। धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को वापस अपनी जगह पर बैठे हुए महसूस करें, अपने शरीर के भार को महसूस करें, अपने हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाएंगे, हथेलियां आपस में रगड़ें, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, हथेलियों को आपस में रगड़ें, आंखों पे रखें, चेहरे पे रखें, फिर से पुनः ऊर्जित करें,
जो भी रोगग्रस्त अंग हैं या कमजोर हैं उन पर भी इस ऊर्जा को रखें। अपनी भुजाओं पर रख सकते हैं, कंधों पर रख सकते हैं, पेट पर लगा सकते हैं, घुटनों पर लगा सकते हैं और फिर मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। धन्यवाद आप सभी थैंक यू को। मैम। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो मैम, धन्यवाद, थैंक यू बोलने पे। ठीक है मैम, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू मैम। थैंक यू शिखा आप जी, सभी को। थैंक यू शिखा जी, थैंक यू, बहुत सुंदर लगा। मेडिटेशन करके बहुत ही आनंद आया, एकदम पीस फील कर रहे हैं। शिखा जी आपके आपके माध्यम से पास मैं कर लेती हूँ कि ये मुझे अच्छा लगता है। हेलो, आप आप नवरात्रि में परोपकार का कार्य नवरात्रि भी कर लेते में हैं। बहुत धन्यवाद टेंशन आप सभी को। कल पुनः 10 बजे गया यहीं पर मिलेंगे आगे के मैम। डाइट प्लान के लिए। थैंक ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। जो भी आपको लगता है कि यू। और लोगों तक ये पहुंचना चाहिए तो आप उन्हें ग्रुप इनवाइट लिंक भेजिए। YouTube का कल का वीडियो भेजिए और आज का बात वीडियो भेजिए। धन्यवाद। सुन दी।